अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपको बैंक अल हबीब से कार फाइनेंस हासिल करने के हवाले से मालूमात दी जाएगी। ये कार फाइनेंसिंग आपको बैंक अल हबीब का इस्लामिक डिवीजन दे रहा है, जिसे इस्लामिक अपनी कार ऑटो फाइनेंस भी कहते हैं। बैंक अल हबीब आपको मुशारका की शरी बुनियादों पर कार फाइनेंसिंग की सहूलत देता है। मुशारका एग्रीमेंट को कहते हैं। ये एग्रीमेंट बैंक और आपके दरमियान होता है, जिसमें आप और बैंक दोनों कार के मुश्तरका ओनर होते हैं। और जब आप बैंक को कार की टोटल कीमत महाना इंस्टॉलमेंट में पे कर देते हैं, तो कार की ओनरशिप आपके नाम पर मुंतकिल कर दी जाती है। बैंक अल हबीब के इस्लामिक डिवीजन से जो कार फाइनेंसिंग की सहूलत प्रोवाइड की जा रही है, उसके क्या फ़ीचर्स हैं और इस कार फाइनेंसिंग को हासिल करने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और बैंक अल हबीब से कार फाइनेंसिंग हासिल करने की क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन तमाम बातों की तफसील आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर मालूमती वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। बैंक अल हबीब आपको न्यू कार, यूज्ड कार और इम्पोर्टेड कार के लिए कार फाइनेंसिंग की सहूलत देता है। बैंक अल हबीब से आप यूज्ड कार और इम्पोर्टेड कार कम से कम 20% से 30% की डाउन पेमेंट पे हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तो 20% डाउन पेमेंट के हिसाब से आप 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद बैंक अल हबीब से कार हासिल कर सकते हैं। अगर आप बैंक अल हबीब के ज़रिए कोई पुरानी गाड़ी लेते हैं, तो बैंक आपको कम से कम 2,50,000 तक की कार फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। और अगर आप बैंक अल हबीब के थ्रू ब्रांड न्यू कार लेते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए तक की कार फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप बैंक अल हबीब के थ्रू इम्पोर्टेड कार लेंगे, तो बैंक अल हबीब आपको 15 लाख तक की कार फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। बैंक अल हबीब आपको 1 साल से 7 साल के लिए कार फाइनेंसिंग की सहूलत देता है। बैंक अल हबीब के थ्रू आप जो कार फाइनेंसिंग की सहूलत लेते हैं, उसकी अदायगी आपको आसान महाना एक साथ में करनी होती है। बैंक अल हबीब से कार फाइनेंसिंग के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, और इस हवाले से आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस्लामिक बैंक से आप जो कार हासिल करते हैं, वो आपको रेंट पर दी जाती है। यानी जब तक आप बैंक को कार की तमाम तर इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे नहीं कर देते, तब तक आपको हर महीने कार का रेंट पे करना पड़ेगा। इसे रेंटल इनकम भी कहते हैं। बैंक अल हबीब आपसे मार्केट से कम रेंटल इनकम पर कार फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। बैंक अल हबीब से अगर आप कोई कार एडवांस में बुक करवाते हैं, तो बैंक आपसे उस टाइम से रेंटल इनकम वसूल नहीं करता, बल्कि जब कार आपके हैंडओवर कर दी जाती है, तब आपसे रेंटल इनकम वसूल किया जाता है। बैंक अल हबीब आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप वक्त से पहले कार की बकाया इंस्टॉलमेंट पे करके गाड़ी की ओनरशिप हासिल कर लें। वक्त से पहले मुकम्मल अदायगी करने पर बैंक आपसे कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं लेता। बैंक अल हबीब से कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी हासिल करने के बाद, आप चाहें तो बैंक से कार फाइनेंसिंग की सहूलत ख़त्म भी करवा सकते हैं, और इस पर आपको कोई पेनल्टी चार्जेस भी अदा नहीं करने होंगे। बैंक अल हबीब आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप कार की आधी पेमेंट शुरू में करें और बाकी अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में महाना के साथ में पे करें, और इस हवाले से भी बैंक आपसे कोई इजाफी चार्जेस वसूल नहीं करेगा। बैंक अल हबीब आपको तकाफुल की सर्विस भी देता है। तकाफुल इस्लामिक इंश्योरेंस को कहते हैं। इसके अलावा आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप कार में ट्रैकर भी लगवा सकते हैं। कंपनीज या कारोबारी हजरात जो खुसूसन गाड़ियों की सेल्स और परचेज का काम करते हैं, वो भी बैंक अल्फला से इजारा या मुशारका की बुनियाद पर कार फाइनेंसिंग की सहूलत हासिल कर सकते हैं। बैंक अल हबीब आपको कार फाइनेंसिंग हासिल करने पर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देता है। बैंक अल हबीब से कार फाइनेंसिंग हासिल करने पर आपको जो तकाफुल या इंश्योरेंस की सहूलत दी जाती है, उस पर आपको कार की कीमत का 1% से 2% तक पे करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर कार की कीमत 5 लाख रुपए है, तो आपको 2% के हिसाब से 10,000 रुपए पे करना होगा। बैंक अल हबीब सिर्फ अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज में से उनका इंतखाब करता है जिनका रेट ऑफ तकाफुल कम होता है। बैंक अल हबीब आपको कार फाइनेंसिंग की सहूलत हासिल करने पर फ्री इंटरनेट बैंकिंग और फ्री ई स्टेटमेंट की सहूलत भी देता है, और इसके अलावा आप मोबाइल बैंकिंग
और SMS अलर्ट की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अल हबीब से कार फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बैंक अल हबीब से कार लोन हासिल करने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी शहरी अप्लाई कर सकते हैं। बैंक अल हबीब से कार फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। बैंक अल हबीब से कार फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन और वो तमाम लोग जो खुद अपना कोई काम करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बैंक अल हबीब से कार फाइनेंसिंग की सहूलत हासिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन या कोई प्रोफेशनल, आपको अपने आईडी कार्ड की कॉपी प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा आपको अपने दो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करने होंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपनी लेटेस्ट ओरिजिनल पे स्लिप देनी होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होगी और ये बैंक स्टेटमेंट बैंक से अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा आप जो बिजनेस करते हैं उसका प्रूफ भी आपको देना होगा। बैंक अल हबीब से कार फाइनेंसिंग की सहूलत हासिल करने के लिए यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। आपके सामने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। आप इस फॉर्म में अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट पर क्लिक कर दें। 1 से 2 दिन के अंदर बैंक का नुमाइंदा आपसे खुद रब्ता करेगा। इस हवाले से अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप बैंक अल हबीब की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बैंक अल हबीब से कार फाइनेंसिंग की सहूलत हासिल करने के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।